हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ मैटर इन अवर सराउंडिंग। लास्ट टू पार्ट्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को। वो आपकी इतनी टाइप्स की थी, थ्री टाइप्स की थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनकी प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। फिर इसके बाद सेकेंड क्लास में हम लोग इसका कन्वर्जन भी देख चुके हैं कि किस तरीके से सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, ऐसे गैस लिक्विड और लिक्विड सॉलिड में किस तरीके से चेंज होता है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा डिफ्यूज़न, और उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर भी देखेंगे इसी पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न की डेफिनेशन देखते हैं पहले क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग द पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंस on their own is called diffusion। तो डेफिनेशन से क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। इंटर कहने का सेंस है कि अगर आपके पास दो सब्सटेंस हैं कोई ए और बी, इनके पार्टिकल्स क्या हों, आपस में इंटरमिक्स हो जाएं खुद से, ए के पार्टिकल बी से, बी के पार्टिकल ए से आपस में इंटरमिक्स हो जाएं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, पार्टिकल खुद से मिक्स होते हैं। इसका एग्जांपल जो है आपका वो क्या है, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम। आप देखते हैं कोई भी आपके आसपास परफ्यूम लगाए है तो आप आसानी से स्मेल से बता सकते हैं कि इसने परफ्यूम लगाई हुई है। तो वो फ्रेग्रेंस आपको कैसे पहुंचती है, क्या होता है, जो परफ्यूम की फ्रेग्रेंस होती है वो एयर के पार्टिकल्स से मिलती है, मिलने के बाद क्या होती है, वो हमारे तक पहुँचती है। तो ये प्रोसेस क्या होता है आपका, डिफ्यूज़न होता है। एक चीज़ और बता देते हैं कि डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा किस में होता है। तीन स्टेट्स होती हैं आपकी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देख लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम इन तीनों को हीट करना स्टार्ट कर दें, सॉलिड को भी हीट करें, लिक्विड को भी हीट करें और गैस को भी हीट करें, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो पार्टिकल किसी चीज़ के मूव करेंगे बहुत तेज़ी से, वो गैस के होंगे। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे हमने इसको टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, मतलब हीट करना स्टार्ट किया, ये पार्टिकल्स क्या होंगे, हर डायरेक्शन में ईजिली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद लिक्विड के पार्टिकल्स जाएंगे, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा पास पास होते हैं और सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, इसलिए ये सबसे लास्ट में ये पार्टिकल्स ब्रेक होंगे, फिर ये मूव करेंगे। तो जो आपका डिफ्यूज़न है वो सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है और सबसे बाद में क्या होता है, सॉलिड। तो ये डिफ्यूज़न का रेट है, मतलब किस तरीके से डिक्रीज़ कर रहा, सबसे ज़्यादा गैस, देन लिक्विड, देन सॉलिड। इसके बाद देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न पे डिपेंड करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है आपका फिजिकल स्टेट, कि वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड में है या गैस में है, इस पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। तो फिजिकल स्टेट में आपका हो जाएगा सॉलिड डिफ्यूज इनटू लिक्विड स्लोली इन कंपैरिजन टू टू लिक्विड डिफ्यूज इनटू लिक्विड फास्टर। अब देखिए क्या होता है, अब अगर आप वाटर में शुगर के पार्टिकल्स डाल दें तो वाटर आपका किस फॉर्म में हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया,
शुगर आपका किस फॉर्म में हो गया, सॉलिड फॉर्म में, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इन दोनों को डिफ्यूज़ होने में। अब अगर हम क्या करें, पानी लें, ठीक है, वाटर लें और इसमें हम मिल्क डाल दें, क्या डाल दें, मिल्क डाल दें, तो ये बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएंगे, मिल्क और वाटर बहुत आसानी से एक दूसरे में मिल जाएंगे। तो कहने का सेंस है अगर अपोजिट फेस हैं तो उनको मिक्स होने में या डिफ्यूज़ होने में टाइम लगेगा, जबकि सेम फेस होंगे तो वो आसानी से डिफ्यूज़ हो सकते हैं। सेकेंड है आपका टेम्परेचर, जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके टेम्परेचर के, मतलब जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा डिफ्यूज़न उतनी ही तेज़ी से होगा, और जितना टेम्परेचर कम होगा डिफ्यूज़न उतना ही धीरे धीरे होगा। थर्ड होता है आपका डेंसिटी, ठीक है, डिफ्यूज़न जो है डेंसिटी पे किस तरीके से डिपेंड करता है वो देखते हैं। तो डिफ्यूज़न जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। तो कहने का सेंस ये हो गया, जिस भी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा तो डिफ्यूज़न कम, डेंसिटी कम तो डिफ्यूज़न ज़्यादा, इन्वर्सली का मतलब अपोजिट, मतलब आप इसको कम करेंगे तो ये ज़्यादा, इसको ज़्यादा करेंगे तो ये कम, डायरेक्टली का मतलब जो काम इधर होगा वही काम इसके साथ, इसको बढ़ाया तो ये भी बढ़ेगा, इसको घटाया तो ये भी घटेगा। तो डायरेक्टली और इन्वर्सली का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है। इसके बाद देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, आप मैटर चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पहली चीज़ तो ये होती है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, कोई भी दो पार्टिकल्स अगर हैं तो उनके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस होता है, कोई भी चीज़ आप बाउंड करेंगे तो थोड़ा आपको स्पेस बीच में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, हैविंग स्पेस बिटवीन देम। थर्ड पॉइंट हो जाएगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं बट जनरली पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते रहते हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इसके बाद देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ, फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या है आपका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अगर अट्रैक्ट ना करें तो वो बाइंड नहीं होंगे। इस नेक्स्ट क्लास में टेम्परेचर देखेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, उनकी डिफरेंट डिग्रीज होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। दो टेम्परेचर की यूनिट होती है, एक डिग्री सेल्सियस होती है, एक केल्विन होती है, इनमें रिलेशन डेरिवेशन है, उसके बाद उन पर कुछ क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।